हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर। और जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि इस टाइम पर साइंस की क्लासेस चलती थी, बट हमने साइंस में पूरा आई थिंक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है इसको बहुत ही कम समय मिल रहा है, तो इसलिए अब इस क्लास की जो टाइमिंग रहेगी इस टाइम पे हम कंप्यूटर सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी आपका सब्जेक्ट बहुत ही अहम रोल होता है, ये भी 25 नंबर का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइम आप कंप्यूटर की क्लास चलेंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले तो हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न ले रहे हैं, तो जिसमें सबसे पहला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का जनक जो कहते हैं वो चार्ल्स वेबर्स को कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था, तो प्रथम गणना करने का जो यंत्र था वो अबेकस था, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गणना करना। अगला आपका प्रश्न है कि पास्कलाइन का आविष्कार किसने और कब किया था, तो ब्लैक पास्कल ने सन 1942 में पास्कलाइन का निर्माण किया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग जो है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो मुख्य भाग है इनपुट डिवाइस आ जाता है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस आता है, प्रोसेसिंग आता है और मेमोरी आ जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और जो हमारा प्रीवियस वाला क्वेश्चन था कि पास्कलाइन का आविष्कार किसने और कब किया था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्लैक पास्कल ने सन 1942 में पास्कलाइन का निर्माण किया था, ठीक है। अब देखिए अगला आपका जो प्रश्न है कि कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है, तो कंप्यूटर को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, एक तो हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका वो हार्डवेयर हो जाता है, जिसको हम स्पर्श नहीं कर पाते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये भी इन दोनों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर में जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, ठीक है, और सॉफ्टवेयर में जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, तो जिसको हम टच नहीं कर सकते उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। अब देखिए जो अगला होगा प्रश्न है कि कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई थी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई थी। तो कंप्यूटर की परिकल्पना सर्वप्रथम सन 1833 ईस्वी में चार्ल्स वेबर्स ने की थी, ठीक है। यानी कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई थी, तो कंप्यूटर की परिकल्पना जो की गई थी सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में जो इसके जनक है और चार्ल्स वेबर्स ने की थी। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से बना होता है, तो कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर स्पीकर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है, तो कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है। अगला आपका प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम बताइए, तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर एनियक, ठीक है, आपका EDUEC आ जाता है, EDSEC भी पढ़ सकते हो या SEC भी पढ़ सकते हो। तो इसमें जो सबसे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एनियक, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटियर शब्द से बना है। और फ्रेंड्स इसी से रिलेट करके क्वेश्चन आएंगे, इसमें से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं पवन सीरीज से डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, तो कंप्यूटर की जो डिफिनेशन होता है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। आप सभी को ये याद भी होगा, क्योंकि जब आप इसको याद करते हो तो ऐसे याद करते हो ना कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए हुए डाटा को आंकड़ों, यानी दिए हुए डाटा को ग्रहण करता है, आंकड़ों को ग्रहण करता है और उसको प्रोसेस करता है एवं उनको एकत्रित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पढ़ने पर परिणाम प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इनपुट की आवश्यकता होती है, फिर हमें सीपीयू की आवश्यकता होती है, फिर हमें क्या आउटपुट की आवश्यकता होती है, फिर उसको हम भंडारण यानी रखने के लिए हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो चार है बहुत ही, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया, इनपुट यूनिट, ठीक है, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। अब देखिए
अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग को हम कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग को हार्डवेयर कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। आपका स्कैनर हो गया। उसके बाद अगला आपका प्रश्न है कि कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। तो इनमें इनपुट डिवाइस में सबसे महत्वपूर्ण कीबोर्ड पहला तो वही आता है, फिर माउस आता है, फिर उसके बाद स्कैनर आ जाता है। तो कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के नाम में प्रमुख जिसमें आपका इनपुट आ जाता है, ठीक है, माउस आ जाता है, स्कैनर आ जाता है। उसी प्रकार आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं, तो कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त कर सकते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपका मॉनिटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि आउटपुट किसे कहते हैं। तो देखिए, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, अब अगला जो आपका प्रश्न है सेम वही है, आउटपुट किसे कहते हैं, जो हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने सूचना या निष्कर्ष या रिजल्ट को लेते हैं, वो उसके माध्यम से हम लेते हैं। अब यहाँ ये कह रहा है कि आउटपुट किसे कहते हैं, तो आउटपुट वह क्रिया है जो प्रयोक्ता यानी यूजर्स को परिणाम उपलब्ध कराती है या दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है, वही आपका आउटपुट है। तो क्वेश्चन जो है दोनों सेम ही है। ठीक है, अगर हम आप दोनों में से किसी का भी आंसर लिख सकते हो तो गलत नहीं होगा। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, कीबोर्ड क्या है, जो आपका इनपुट डिवाइस में सबसे पहला जो एग्जांपल है कीबोर्ड, आखिरकार ये है क्या, इसका इस्तेमाल क्या है। तो जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न, जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं उन्हें हम माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं उन्हें हम माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। अब देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि हमने माइक्रो कंप्यूटर डिस्कस किया, तो जो माइक्रो कंप्यूटर होता है यह आकार में छोटा होता है, ठीक है, और कम गति से कार्य करता है, और इन्हें इसलिए उन्हें माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। बट जो मिनी कंप्यूटर होता है यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और इसके तुलना में यह अधिक तेजी से कार्य करता है और यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर। अब देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है। तो मेमोरी क्षमता मापने की जो इकाई है वो किलो वाट है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि बाइनरी प्रणाली क्या है। तो कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल दो ही अंकों का अर्थात जीरो एवं एक का ही प्रयोग होता है, इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो बाइनरी प्रणाली क्या है, तो कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी ही भाषा समझ सकता है। इस भाषा में केवल दो ही अंक अर्थात जीरो और वन का ही प्रयोग होता है, इसलिए इसे हम बाइनरी प्रणाली कहते हैं। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, बिट क्या है। ठीक है, बिट क्या है, तो बिट बाइनरी डिजिट का एक संक्षिप्त रूप है। अगला आपका प्रश्न है, बाइट किसे कहते हैं। तो 8 बिट के समूह को हम क्या बोलते हैं, बाइट कहते हैं। एएलयू क्या है, तो कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। अगला जो आपका प्रश्न है कि मोडेम क्या है, तो यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा, और मोडेम के माध्यम से ही हम इंटरनेट चलाते हैं। ठीक है, तो मोडेम क्या है, तो यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला यह ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन के लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डेटा को आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो मोडेम क्या है, जिसके थ्रू हम किसी अभी इंफॉर्मेशन आंकड़ा को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, क्योंकि हम इंटरनेट के सहायते, लेकिन इंटरनेट के लिए मोडेम की आवश्यकता पड़ती है। तो मोडेम क्या है, मोडेम क्या है, तो यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है
जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका मोडेम का डिफिनेशन हो गया। अगला जो आपका प्रश्न है कि सीपीयू क्या है, तो यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है और सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो सीपीयू के पार्ट जैसे कि आपका सीयू हो गया, एएलयू हो गया और एमयू हो गया, तो ये तीन पार्ट होते हैं सीपीयू के। ठीक है, जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है जो सीयू होता है वो सीपीयू को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो एएलयू होता है वो आप सभी को पता है कि मैथमेटिकल वर्क करता है, और जो मेमोरी होता है वो उसको भंडारण युक्ति का काम करता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है। तो देखिए अगला आपका प्रश्न वही आ गया। तो जो कंट्रोल यूनिट होता है वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है। यानी जब हम इनपुट देते हैं और जब प्रोसेसिंग होता है तो कुछ जो भी उसका वर्क जो देखता है वो कौन देखता है, तो सीयू देखता है, यानी कंट्रोल यूनिट देखता है। यानी वो किसी भी वर्क को नियंत्रण करता है ताकि हर एक जो निर्देश दिया गया है उसका सही से इन्फॉर्मेशन दिया जाए। क्लियर। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि 1 GB किसके बराबर, यानी 1 GB जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो आप सभी नेट चलाते ही होंगे, ठीक है, आपको आसानी के साथ हर एक नेट का काउंट भी करते होंगे, तो आप बहुत इजीली तरीके से बता सकते हो कि 1 GB किसके बराबर होता है, तो 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए जो अगला आपका प्रश्न है कि 1024 GB किसके बराबर होता है। तो देखिए 1024 GB यानी 1024 GB किसके बराबर होता है, तो 1 TB यानी 1 TB के बराबर होता है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि वैन का पूरा नाम बताइए। तो वैन का जो पूरा नाम होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। उसी प्रकार आपका लैन हो जाता है, तो लैन का जो होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि सर्वर का क्या अर्थ है। बहुत ही जितने भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर्वर का क्या अर्थ होता है, तो सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। ठीक है, सर्वर का क्या अर्थ है, तो सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम या नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि ब्राउजर किसे कहते हैं। तो ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर एवं वेब सर्वर के बीच में संबंध स्थापित करता है। ब्राउजर किसे कहते हैं, तो यूजर और आपका जो वेब सर्वर है उसके बीच रिलेशन स्थापित करता है। ठीक है, अगला जो है कि URL का पूरा नाम बताइए। तो जो URL का पूरा नाम होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि ईमेल अकाउंट क्या है। तो ईमेल अकाउंट में संदेश यानी प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया होता है उसे ही हम ईमेल अकाउंट कहते हैं। और आप सभी के पास ईमेल अवश्य होगा, क्योंकि यूट्यूब पे ईमेल नहीं रहेगा तो फिर आपका चैनल नहीं या फिर आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है। तो मिनी कंप्यूटर में जो रैम की क्षमता होती है वो 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है डेस्कटॉप क्या है। तो यह कंप्यूटर स्क्रीन की क्या है, पृष्ठभूमि होती है। दैट्स क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हो। तो माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है, ठीक है, जो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होती है और इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं। यानी माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हो, तो जो माई कंप्यूटर होता है एक सिस्टम फोल्डर है। ठीक है, जो आपका अगर आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो आपको डेस्कटॉप पे दिखता होगा माई कंप्यूटर। इसमें आप डिस्क ड्राइव सिस्टम फोल्डर आइकॉन्स होते हैं, यानी आप जैसे ही ओपन करते हैं तो उसमें जितने भी आपके होते हैं जितने भी आपका ड्राइव हो गया आप उसमें आइकॉन्स होते हैं। अगला जो है रीसाइकिल बिन किसे कहते हैं। तो रीसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें डिलीट
कर देते हैं। तो रिसाइकल बिन किसे कहते हैं? तो रिसाइकल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें डिलीट कर देते हैं, और रिसाइकल बिन आप सभी को पता होगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल कब से कब तक है? तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर का समय काल है, ठीक है, 1942 से 1955 तक है, और कुछ में डिफरेंट भी पाया जाता है, तो आप एक सही लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1942 से 1955 तक। और आपको ये बताना है कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो था, इसमें किसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर के विकास की कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है? तो कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है और इसकी गति कुछ धीमी होती है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है और इसकी जो स्पीड होती है कुछ धीमी होती है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो वह कंप्यूटर जो कि डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है, इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग रूप में होती है। ठीक है, यानी जो प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल रूप में होती है। यानी अगर हम सिंपल कहें तो आपका जो होता है कि दोनों का मिश्रण होता है, एनालॉग और आपका जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, ये दोनों को ही मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी ये वो कंप्यूटर है जो डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। सबसे पहले तो इसमें इनपुट तथा जो आउटपुट होता है वो एनालॉग के रूप में होता है, यानी जो इनपुट होता है और आउटपुट होता है वो एनालॉग के रूप में होता है, बट जो प्रोसेसिंग होता है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर के रूप में होता है। क्लियर, तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, तो ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है, माउस क्या है? ठीक है, माउस क्या है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसमें दो दाया व बाया बटन होता है। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है और इसके नीचे एक रबर बॉल होता है जिसे क्रियान्वयन में सहायता करते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपने स्क्रॉलिंग के लिए ऊपर भी देखा होगा, ठीक है, जैसे कि हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं तो उसको हम स्क्रॉल कहते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका होता है, उसमें आपने चलाया भी होगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि माई नेटवर्क पैलेस क्या है? तो इसके प्लेस क्या है? ठीक है, माई नेटवर्क प्लेस क्या है? तो इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर तथा फाइलें देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, टूल बार क्या है? ठीक है, तो टूल बार क्या है? टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिन्हें कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती है। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम जनक को याद नहीं रखेंगे, उसको बार बार रिपीट नहीं करेगा तो किसको करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर के जनक कौन थे, तो वो हो जाएगा चार्ल्स वेबर्स। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, तो ईमेल का जो विस्तृत रूप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे कि आपका डाक होता है ना, तो इसी को अब डाक को भी ईमेल पहले और किसी के माध्यम से, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है, तो इसलिए आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि पीडीएफ का विस्तृत रूप क्या है? तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका पी से होता है पोर्टेबल, डी से होता है डॉक्यूमेंट और एफ से होता है फॉर्मेट। यानी पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। लास्ट आज का प्रश्न है कि होम पेज क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। जैसे कि आपका एंड्रॉयड फोन है, तो अब जैसे ही आप इसका लॉक ओपन करते हो तो होम पेज पे आप का जो फोन है ओपन होता है, तो इसी को हम होम पेज कहते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितने भी आज के प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप इस सीरीज से, यानी जो आपका पवन सीरीज हो गया, राजन सीरीज हो गया, बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका जो नंबर है बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, आप सभी को बहुत ही डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा तो जो नंबर है वो कम आ जाएगा क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी नहीं है। फ्रेंड्स, आप केवल एक बार बहुत ही मन से समझ के पढ़ लेते हो तो आप सभी का जो नंबर है, क्योंकि खुद पे एक तो विश्वास रहना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिल सके।
है ना गाइस, आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उनको भी तो मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।